नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़। इस नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आज आलमी योम मादरी ज़ुबान के मौका पर अंजुमन तरक्की उर्दू मगरब बंगाल की जानिब से तबसिया के उर्दू घर में एक शानदार ऑल बंगाल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मारूफ शायर व अदीब जनाब हलीम साबिर ने की। नकाबत के फ़रज जनाब आसिम शहनवाज सिबली ने अदा की। इस मौका पर उर्दू घर में आज जनाब एम ए कासिम मलिक मरहूम और प्रोफेसर कैसर समी मरहूम की याद में दो हॉल का इफ्तिताह भी किया गया। इस मुशायरे में जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद हुसैन, तंजुमन तरक्की उर्दू के सदर इजहार आलम जनाब कमरुद्दीन मलिक, निसार अहमद, वासिफ अख्तर और दीगर शुरा हजरात जो मटिया बुरुज गुसड़ी और के इलाके से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अपनी तख्लीकात पेश की। आशिम शहनवाज सिबली ने बेबाक निज़ामत के फ़राइज अंजाम दिए। इस मौका पर जनाब सहर मजीदी की किताब की रस्म इजरा भी हुई, जिसे वजीर बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जावेद अहमद ख़ान के हाथों हुई। अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से जनाब जावेद अहमद ख़ान को एक शाल पेश किया गया। उन्होंने इस शाल को मुशायरे के सदर जनाब हलीम साबिर को पेश कर दिया। मुशायरा बहुत कामयाब रहा, काफ़ी कामयाबी से मुशायरा चलता रहा, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। इस मौका पर जावेद अहमद ख़ान ने कहा कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले आज बड़ी खुशी हुई देखकर, यहाँ ऐसे प्रोग्राम अब होते रहेंगे। अक्सर मुशायरे, ये पहला मुशायरा था जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू ने मुनक्कद किया था। हाँ सर मजीदी साहब, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ की तैयारी है? अभी हम लोग उर्दू घर 56 तालाब तोपसिया जा रहे हैं और इससे पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी या रहनुमाई जो भी कहिए डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब कर रहे हैं, जो अंजुमन तरक्की उर्दू मगरब बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज वहाँ एक खसूसी तकरीर भी है, मीटिंग भी है और उसके बाद मुशायरे का अहतमाम भी होने जा रहा है। मैं एक शायर की हैसियत से वहाँ जा रहा हूँ और डॉक्टर वासिफ साहब या फिर उनके जितने रफ़का हैं या अंजुमन तरक्की उर्दू मगरब बंगाल के जितने मेंबरान हैं, वो जो भी प्रोग्राम करते हैं बहुत ही सलीके का प्रोग्राम करते हैं, अच्छा प्रोग्राम होता है। उसी गरज से हम तमाम लोग अभी तोपसिया जा रहे हैं। ये शुक्रिया। वो मौका होता तो मैं ले आता उसने, कि उसने उर्दू के हवाले से कहा है कि मैं उर्दू हूँ, गालिब उम्मीद और ज़ौक इकबाल के आंगन में पली बढ़ी, अब सियासतदानों के अंगारों में जल रही हूँ। मैं उर्दू हूँ, मैं उर्दू हूँ, मेरा कोई मजहब कोई लिबास नहीं था, मेरा कोई फिरका कोई जात नहीं था, मैं खुशबू की तरह थी हवाओं में, नीची नजर वाले मसनद के जग में अब कैद हूँ। हो सकता है बहुत अदबी तौर पर नहीं, आजाद नज़्म है ये। मैं उर्दू हूँ, मुझे बना दिया
फकत मोहब्बत की जबान, मगर मेरे इनकलाबी लहजे को भी लीजिए पहचान। इब्तिदाए इश्क के दबे अल्फाज थी कभी, अब चीखती पुकारे अंजाम। उर्दू हूँ मैं, उर्दू हूँ न रखो मेरे लिए साल महीने दिन, मैं उर्दू हूँ न रखो मेरे लिए साल महीने दिन तारीख, न मांगो मेरे हक के लिए।